The topic which I've selected for today is, can somebody read this topic? What word is this? Mnemonic. So the first M is silent. The first M is silent. It's a Greek word. और इसकी जो रूट है उसका मतलब है द गॉडेस ऑफ मेमोरी. निमोनिक्स एक्चुअली इट्स अ सेट ऑफ टेक्निक्स जिसमें राइम्स हो सकती हैं, दे कुड बी स्टोरीज और एनीथिंग विच मेक्स अस रिमेंबर समथिंग. ठीक है, निमोनिक्स हमें कुछ चीज़ों को याद करने में मदद देते हैं. कभी कभी हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमें खुद ही पता नहीं होता. वो कैसे? वो इस तरह कि मुझे तो इसका 2-3-4 साल पहले ही पता चला है, बट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई एम्प्लॉयड दिस टेक्निक. एम्प्लॉय का मतलब इस्तेमाल में भी आता है. मैं इसको इस्तेमाल करती थी. वो किस तरह कि मुझे कुछ स्पेलिंग्स याद नहीं हो रहे तो मैं क्या करती थी कि उसको ऐसी कोई टेक्निक बनाती थी, कोई राइम बना लेती थी या कोई फुलिश सिली सी चीज़. एक वर्ड जो मुझे हमेशा तंग करता था तो वो वर्ड था डायलॉग. जी यू ई ज़्यादा तंग करता था क्योंकि इसकी साउंड ही नहीं है ना, जी पे ग साउंड पे ख़त्म हो रहा है डायलॉग. तो मैं कहती थी डायलॉगुई. इज ये सिली, लेकिन निमोनिक्स यही हैं. आपने सिली चीज़ें बनानी हैं क्योंकि वो आपको फन भी देंगी, इट विल एंटरटेन यू एंड इट विल मेक यू लर्न द थिंग्स एज वेल. तो निमोनिक्स कैन हेल्प लर्निंग स्पेलिंग्स. आसमान और रीन, यस, विल यू शेयर योर फर्स्ट वर्ड विद अस? मैम, जब मैं छोटी थी लाइक ग्रेड 3 में, तो मैंने टेबल के स्पेलिंग याद करने थे, उसका ई मिसिंग था. हर दफ़ा मेरा ई मिसिंग होता था, फिर मैंने इसको याद किया था टेबली. टेबली, वेरी गुड. स्पेलिंग्स अफेक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड करियर. अगर हमें स्पेलिंग्स अच्छे नहीं आते तो बहुत सी ऑब्स्टिकल्स आती हैं रास्ते में, रुकावटें आती हैं. ठीक है, जैसे आप जा रहे हैं गाड़ी पर और बार बार स्पीड ब्रेकर आ जाए, तो ये स्पीड ब्रेकर्स होते हैं. ये स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, इनको हमने दूर करना है. ये हमारी रीडिंग को अफेक्ट करते हैं, ये हमारी कॉम्प्रिहेंशन को अफेक्ट करते हैं. कॉम्प्रिहेंशन इज अंडरस्टैंडिंग. एंड करियर, करियर को कैसे अफेक्ट करते हैं? जिसके पास आपका कोई रिटन स्क्रिप्ट जाता है, टेक्स्ट जाता है, उसके सामने आपकी क्या इज्जत रह जाती होगी, राइट? तो आपका इमेज खराब होता है. निमोनिक्स फॉर लाइफ. अब निमोनिक्स जो है ना वो जिंदगी के हर एरिया में यूज होते हैं. यानी कि आप स्किल्ड हैं लेकिन आप और स्किल्ड हो सकते हैं अगर आप निमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं. सो वाइल यू मे नॉट एडमिट इट, यू मे समटाइम्स फॉल बैक ऑन निमोनिक्स टू रिकॉल द स्पेलिंग्स. कुछ लोग एडमिट नहीं करते, वो कहते हैं ये बुरी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. टू रिकॉल द स्पेलिंग्स ऑफ ट्रिकी वर्ड्स आर कॉमनली मिस स्पेल्ड वर्ड्स. ये मिस स्पेल जो है ना, ये भी मिस स्पेल होता क्योंकि इसमें बहुत से एस इन्वॉल्व हैं, डबल एस है. ठीक है, वो चीज़ें जो हमें ऑलरेडी आती हैं या इवन बच्चों को ऑलरेडी आती हैं, हमने उनका सहारा लेके उनको कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट चीज़ें सिखाना होती हैं, बजाय ये कि हम चाहें कि वो कॉम्प्लेक्स आइडिया या डिफ़िकल्ट आइडिया को ही अपने जहन में भर लें. जो उनको ऑलरेडी आती हैं उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हम? हमारे स्कूलों में भी जो चीज़ चलती है वो मेमोराइजेशन होती है. रिमेंबर करो, रिमेंबर दिस डेफिनेशन, रिमेंबर दिस फार्मूला, राइट? तो मेमोराइजेशन, जब हमने स्पेलिंग याद करवानी है तो हमने निमोनिक्स की हेल्प लेनी है. स्टेट कैपिटल्स, अमेरिका की बात हो रही है कि वहाँ के जो स्टेट्स हैं उनके जब कैपिटल्स याद करवाने होते हैं, 52 स्टेट्स, तो बड़ा मुश्किल काम होता है. तो उसके लिए निमोनिक्स की हेल्प ली जाती है क्योंकि वहाँ बच्चों को दे आर मेड टू मेमोराइज द कैपिटल. वेदर इट इज़ साइंस डिसिप्लिन और मैथ डिसिप्लिन, उर्दू, इंग्लिश, वट एवर यू आर टीचिंग, इस्लामियात पढ़ा रही हैं, अरबिक पढ़ा रही हैं, निमोनिक्स हेल्प्स, इट डज हेल्प. फैन बॉयज वेरी पॉपुलर निमोनिक स्ट्रेटजी, जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को मिलाते हैं, वो वर्ड्स कहलाते हैं कंजंक्शंस. देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ये जिन दो लफ्जों को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को मिलाते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल इम्पॉर्टेंस, उनकी इक्वल इम्पॉर्टेंस. ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं. और बच्चों को जब हमने याद करानी, इवन खुद याद करनी है, बिकॉज वी डिडंट नो दिस, तो हमने कहना है फैन बॉयज. अब बताओ जरा, एफ फॉर, ए फॉर, एन फॉर, बी फॉर, ओ फॉर, वाई फॉर, एस फॉर. तो ये देखें कि एक निमोनिक्स की स्ट्रेटजी इस्तेमाल करने से आपको फौरन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस याद
हो गए. इट रियली हेल्प्स एंड इट्स इंटरेस्टिंग. रेनबो शोज ऑल द कलर्स ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम. जो लाइट के कलर्स हैं उनका एक सीक्वेंस है. देर आर 7 कलर्स इन अ लाइट स्पेक्ट्रम और वही कलर्स रेनबो में भी मौजूद होते हैं. उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर है. अब ये बच्चे को अगर रेनबो के कलर्स याद करवाने हैं तो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, इजंट इट? थोड़ा मुश्किल है ना. लेकिन हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बेटा रॉय जी बेव, एक नाम दे देते हैं उसको, रॉय जी बेव, रॉय जी बेव, रॉय जी बेव. वेयर आर इज फॉर रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो, जी ग्रीन, बी ब्लू, आई इंडिकेट इंडिगो एंड वी वायलेट. वायलेट. ये देखें, अब हमने आधा मिनट, एक मिनट हमें लगा है और हमने रेनबो के सारे कलर्स याद कर लिए हैं. लेट्स कम टू मैथ्स. तो यूजिंग द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, उसमें ऑपरेशंस इन्वॉल्व है. बॉड मैथ्स, बी ओ डी एम ए एस, चले सब नोट कर लें, बी ओ डी एम ए एस, बॉड मैथ्स. वेयर बी इज फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट, क्योंकि हम पैरेंथेसिस को ब्रैकेट ही कहते हैं यहाँ पे. ओपन, ओपन ब्रैकेट, ओपन. Then division, division. Then multiplication, then addition, addition, and then subtraction. Subtraction. Is it clear? बच्चों को भी आपने ये सिखाना.